सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जी हाँ, जो लोग मुश्किलों में भी अपने लिए नई राहें हमवार करते हैं वही हमारे लिए नायक कहलाते हैं, हीरो कहलाते हैं। और ऐसे तमाम नायकों की, हीरोज़ की कहानियों को देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निकार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत ख़ास कहानियाँ। तो देर किस बात की है, शुरुआत करेंगे आज के इस खास प्रोग्राम की। मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो या फिर टीवी स्क्रीन, आजकल देखने में आ रहा है कि अधिकांश लोगों का अधिकतर समय डिजिटल स्क्रीन पर ही बीतता है, जो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है क्योंकि ये मस्तिष्क पर तो प्रभाव डालता ही है, साथ ही साथ आँखों की रोशनी पर भी असर डालता है। ऐसे में ज़रूरी है इससे निपटने की। आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के सांगली के एक छोटे से गांव में, जहां पर गांववासियों ने एक बेहद अनूठी पहल की शुरुआत की है। इनकी पहल है डिजिटल डिटॉक्स की। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये डिजिटल डिटॉक्स है क्या, तो चलिए जानने के लिए आपको दिखाएंगे ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव मोहितांचे वडगांव ने हर शाम एक स्थानीय मंदिर से सायरन बजाकर मोबाइल फोन और अन्य गैजेट्स बंद करने और टेलीविजन सेट आदि को बंद करने के संकेत के तौर पर एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। ये समय है किताबें पढ़ने का या एक दूसरे के साथ बात करने का, जबकि रात 8:30 बजे दूसरा अलार्म डिटॉक्स अवधि का संकेत देता है। दरअसल गांव के सरपंच विजय मोहिते के मन में ये विचार आया कि कितना अच्छा हो कि कुछ समय के लिए लोग मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन से अपनी आंखों को विराम दें। उन्होंने जब गांव वासियों को इसके बारे में बताया तो गांव वासियों ने इसे खुशी से स्वीकार किया। और देखिए इस डिटॉक्स अभ्यास में लोग किस तरह उत्साह से भाग ले रहे हैं। इसकी निगरानी के लिए एक वार्डवार समिति भी गठित की गई है। एक उपक्रम राबोलेला है। हमने अपने गांव के बच्चों के लिए यह पहल शुरू की, जहां हर शाम 7 बजे सायरन बजता है। बच्चों को सभी सेलफोन और टीवी बंद करके पढ़ने के लिए बोला जाता है। करीब 1.5 घंटे तक, जब ये गैजेट पूरी तरह बंद हो जाते हैं, बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं। इससे बच्चों के पढ़ने की आदत विकसित हुई है और बच्चों के माता पिता के बीच बहुत मेल जोल बढ़ा है। दरअसल सरपंच को ये विचार तब आया जब कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा और ऑनलाइन शिक्षा बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। इस दौरान टीवी और मोबाइल मनोरंजन के एकमात्र स्रोत रह गए थे और शिक्षा के लिए स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे छोटे बच्चे भी मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट के आदि हो गए। ऐसे में बहुत जरूरी था कि लोग डिजिटल डिटॉक्स की तरफ बढ़ें और स्क्रीन से अपनी आँखों को विराम दें। विद्यार्थी विकास विद्यालय इस पहल के साथ हर शाम 7 से 8:30 बजे तक हम पढ़ने बैठते हैं। इसके साथ हम अध्ययन करने के लिए एक दिनचर्या में शामिल हो गए हैं, जिससे हमें समय प्रबंधन में मदद मिली है। बुजुर्गों का पूरा ध्यान बच्चों पर होता है। सेल फोन और टीवी और गैजेट्स बंद होने के कारण किताबों पर ध्यान दिया जाता है। इस पहल ने हम 10वीं कक्षा के छात्रों की मदद की है, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इससे एक अच्छा घर बनाने में भी मदद मिली है। मोहितांचे वडगांव इस मामले में एक नजीर पेश कर रहा है। यहाँ जन सहभागिता का अनूठा उदाहरण देखने को मिल रहा है। यहाँ 2 समय पर टेलीविजन और मोबाइल इंटरनेट से स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। इस पहल का सकारात्मक असर ये हुआ है कि कई परिवारों में मोबाइल और इंटरनेट पर बिजी रहने के कारण आपस में संवाद टूट गया था, वो अब फिर से शुरू हो गया है। बच्चों में पढ़ाई और शैक्षिक गतिविधियों में रुचि लौटी है। ग्रामीणों ने इसमें पूरे दिल से भाग लिया है क्योंकि गांव में हर शाम 7 से 8:30 बजे तक टीवी नहीं चलता है और इस दौरान कोई भी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करता है। महाराष्ट्र से शिवाजी कांबले और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना डिजिटल डिटॉक्स की ये बेहद शानदार पहल।
और बात जब हम किताबों की कर रहे हैं तो बात स्कूल की भी करेंगे। जी हाँ, कहते हैं कि अगर देश प्रेम का जज्बा है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो देश की माटी देर सवेर ही सही आपको वापस बुला ही लेती है। कुछ ऐसी ही कहानी है संपन्न की। जी हाँ, संपन्न विदेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बहुत अच्छी नौकरी पर कार्यरत थे, लेकिन देश की माटी ने बुलाया यहाँ सेवा करने के लिए, तो वापस चले आए और यहाँ पर अध्यापक बन गए। अध्यापक बने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने खंडहर जैसे स्कूल का जो कायाकल्प किया और जिस तरह से उसे मॉडल स्कूल में परिवर्तित कर दिया, वो देखते ही बनता है। आइए आपको दिखाते हैं बाराबंकी से ये खास रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी के रहने वाले संपन्न निगम बहुराष्ट्रीय कंपनी ग्लोबल सोर्सेस हांगकांग में इंजीनियर की अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन देश के लिए कुछ और बेहतर करने का ख्वाब लिए वो भारत लौटे और बीटीसी कर सहायक अध्यापक की नौकरी ज्वाइन की। राह में मुश्किलें कई थीं और कॉरपोरेट सेक्टर के बेहतरीन करियर को छोड़कर एक अनिश्चितता से भरे पेशे की तरफ जाना खतरे से खाली भी नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। संपन्न ने उन सभी मुश्किलों को चुनौती माना और इससे पार पाते हुए देश के शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। शिक्षा को मैंने प्राथमिकता में ध्यान दिया और जो मैंने खुद की अपनी जो तकनीकी शिक्षा ली थी वो बर्बाद ना हो, वो मैंने यहाँ पे बच्चों को ट्रेडिशनल टीचिंग के साथ जोड़ दिया और उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हुआ। बच्चों ने उसको ट्रेडिशनल टीचिंग में, बच्चों को टेक्नोलॉजिकल टीचिंग में हर चीज़ उन्होंने सीखी। आज बच्चों को जो इस तरह की एजुकेशन समाज ने देखी तो समाज ने खुले हाथ से हमारे विद्यालय को सपोर्ट किया। आज विद्यालय में सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक इंटरनेशनल स्कूल में होनी चाहिए। बाराबंकी जनपद के फतेहपुर ब्लॉक के बिशनपुर प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक 39 वर्षीय संपन्न ने परिणाम की चिंता किए बिना सिर्फ अपनी कोशिशों पर ध्यान दिया और उन्होंने अपने स्कूल की तस्वीर बदल कर रख दी। 2015 में संपन्न ने जब विद्यालय का कार्यभार संभाला था तो जर्जर अवस्था में विद्यालय और नाम मात्र के बच्चों को देखकर इन्होंने इसकी सूरत बदलने की ठान ली थी। वो विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने को लेकर ग्रामीणों को प्रेरित करने लगे। उन्होंने बच्चों को अच्छी पढ़ाई का भरोसा दिलाया। विद्यालय को सुंदर और सुविधाएं युक्त बनाने के लिए निगम ने कई एनजीओ और समृद्ध लोगों से सहयोग भी लिया और स्वयं के योगदान से विद्यालय का पुनरुद्धार करना शुरू कर दिया। वर्ष 2022 तक गांव का ये सरकारी विद्यालय शहर के तमाम निजी विद्यालयों को पीछे छोड़ता हुआ कुछ इस तरह आधुनिक बना कि आज इस विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। पढ़ाई को आसान और रुचिकर बनाने के लिए सभी क्लास में डिजिटल बोर्ड्स के माध्यम से स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए आकर्षक झूले, प्रत्येक क्लास में आधुनिक फर्नीचर, स्कूल की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, पीने के लिए आरओ वाटर और इन सब व्यवस्थाओं का असर ये हुआ कि गांव के सभी वर्गों के बच्चे एक साथ एक छत के नीचे पढ़ने लगे। विद्यालय की सबसे खास बात यह है कि यहां बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कई काम किए गए हैं। घर घर जाकर प्रोत्साहन से लेकर विद्यालय में बालिकाओं के लिए शौचालय और अन्य संबंधित आवश्यकताओं का खास तौर से ध्यान रखा गया है। पिछले 5 सालों में बालकों की उपेक्षा, बालिकाओं की संख्या में यहां बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये सब संभव हो सका है संपन्न के दृढ़ निश्चय और अथक कोशिशों से। बाराबंकी से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, आपकी इच्छा के आगे आड़े नहीं आ सकती। और कुछ ऐसी ही कहानी संपन्न की भी है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं नहीं नहीं, उपाय है उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। Navy gives me strength. The Navy gives me support. The Navy gives me success. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक नामचीन शहर है अंबिकापुर। यहाँ के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा कमाल का काम किया है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे और अपने शहर के गंदे तालाब या नदी के लिए इसकी डिमांड कर सकते हैं। जी हाँ, इन्होंने 14 साल की रिसर्च के बाद एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिसके जरिए आप अपने गली मोहल्लों के नाले, तालाब या फिर नदी का गंदा पानी एकदम साफ कर सकते हैं। जी हाँ, इन्होंने एक ई बैक्टीरियल बॉल का निर्माण किया है। कैसे ये बैक्टीरियल बॉल काम करती है आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। टेबल टेनिस की तरह दिखने वाले इस बॉल में ही वो कमाल का फॉर्मूला छिपा है जो गंदे तालाब या नालों को साफ करने की ताकत रखता है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में रहने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत कुमार शर्मा ने इस बॉल को तैयार किया है। इसमें अलग अलग तरह के फंगस और बैक्टीरिया हैं। डॉक्टर प्रशांत ने इसे बैक्टीरियल ई बॉल नाम दिया है। जो ये ई बॉल है ये माइक्रोब्स का एक कंसोर्टिया है जिसमें लगभग 14 प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया को हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट या बूझा चूना का पाउडर में इसको हम लोगों ने ऐसे कैरियर बना करके 30 से 40 ग्राम का एक बॉल तैयार किया है। अब सवाल ये है कि इस छोटे से ई बॉल से गंदा तालाब या नाला आखिर कैसे साफ होगा। तो डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि करीब 14 साल की रिसर्च में उन्होंने इस फॉर्मूले पर फोकस रखा कि वाटर बॉडीज में कार्बन और नाइट्रोजन के सोर्स को पानी में ही खत्म कर दिया जाए और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। क्योंकि इस ई बॉल में बैक्टीरिया और फंगस है तो वो तालाब में जाकर इसे अपने पोषण तत्व के रूप में लेते हैं। निर्धारित संख्या में कुछ दिनों तक जब ये बॉल तालाब में डाली गई तो गंदे पानी का पीएच लेवल करीब 7 पर आ गया और TDS लेवल 250 के आसपास, यानी तालाब का पानी इतना साफ हो गया कि उसे पिया जा सकता है। तालाब या जल स्रोत में जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो सोर्स होता है उसको ये से न्यूट्रिशनल यूज़ करता है और न्यूट्रिशनल यूज़ करने के बाद पानी को ये क्लीननेस करता है और पानी की जो pH का वैल्यू है जो सामान्यतः 7 होना चाहिए तो ये 7 लाता है। उसके अलावा जो TDS वैल्यू है ड्रिंकिंग वाटर का वो इसको इसमें सुधार पाया जा रहा है। साथ ही साथ पानी का COD और BOD लेवल भी काफ़ी सुधर रहा है। डॉक्टर शर्मा का ये बैक्टीरियल ई बॉल पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। पानी में इन बॉल्स के रहते हुए दूसरे जीवों और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े अंबिकापुर के अधिकारियों ने इस बॉल का ट्रायल किया। वो इसके नतीजे से इतने प्रभावित हुए कि शहर के तमाम तालाबों और गंदे नालों में इन बैक्टीरियल ई बॉल्स का इस्तेमाल अब सफाई के लिए किया जा रहा है। जो मेथड हम पहले अपनाते थे तालाबों को साफ करने के लिए, पहले पूरी तालाब की क्लीनिंग करते थे और उसको डी वाटरिंग करते थे और फिर फ्रेश वाटर उसमें डालते थे, इसमें एक बहुत खर्च होता था और एक टाइम टेकिंग भी था कि पानी को ख़त्म करें और फिर दोबारा वाटर को रिचार्ज करना तालाब को, बड़ा एक टिपिकल काम था। लेकिन इसके ट्रीटमेंट से ये फ़ायदा हुआ है कि हमको पानी का लॉस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है और हम उसमें बहुत ही अच्छा मतलब इस पर रिजल्ट हम लोगों को मिला है। इस छोटे से बॉल की चर्चा अब अंबिकापुर और पूरे छत्तीसगढ़ से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में इनका इस्तेमाल गंदे तालाबों को साफ करने में होने लगा है। यहां तक कि अब नेपाल में भी इस बॉल के काम की चर्चा पहुंच गई है। असल में ये छोटा सा बैक्टीरियल ई बॉल गंदे वाटर बॉडीज की सफाई बिना किसी झंझट के कर देता है। बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं होती और ना ही अधिक बजट की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News।
तो है ना ये शानदार नवाचार, गंदे नदी नाले और तालाब को साफ करने का एक बेहद छोटा सा और ख़ास फॉर्मूला। अब आपको एक और नवाचार से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत अनूठा है। जी हाँ, कर्नाटक के कलबुर्गी की एक छात्रा ने अपनी टीचर की मदद से एक ख़ास फुटवियर का निर्माण किया है। फुटवियर ख़ास और अनोखा इन मायनों में है कि ये उन लड़कों को सबक सिखाएगा जो किसी लड़की से रेप या शारीरिक छेड़छाड़ की मंशा रखते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक फुटवियर भला कैसे सबक सिखाएगा, तो आपको दिखाएंगे इस फुटवियर में क्या कुछ खूबियाँ हैं और किस तरह ये लड़कों को मात दे सकती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक सामान्य चप्पल की तरह दिखने वाली इस स्लीपर में कई गुण हैं। दसवीं क्लास में पढ़ने वाली कलबुर्गी की इस स्टूडेंट विजय लक्ष्मी बिरादर ने इसे एक खास मकसद के साथ बनाया है। इसे नाम दिया है एंटी रेप स्मार्ट फुटवियर। इसे पहने हुए किसी लड़की पर जैसे ही कोई शारीरिक हमला करेगा तो बिजली का ऐसा झटका लगेगा कि वो लड़की अपनी जान बचाकर भाग सकती है। When an attacker is trying to attack us, we just need to all do is just wear this and kick the attacker. When we kick the attacker, the nails which are present at the front will pass electric shock to the attacker's body. So when he gets electric shock, we get some time to escape from there and save ourselves. अब अगर तीन चार लड़कों का ग्रुप किसी लड़की पर अटैक करे तो उस हालात से भी निपटने का इंतजाम इस स्लीपर में है। इसमें लगे ब्लिंक ऐप तकनीक के साथ लगा जीपीएस लड़की के माता पिता और पुलिस को मैसेज भेजेगा, यानी मोबाइल नंबर सेव करने की व्यवस्था भी इस चप्पल में की गई है। इस स्मार्ट फुटवियर में दोनों पैरों के स्लीपर के लिए अलग अलग अलार्म सिस्टम है। इतनी खूबियों वाला ये फुटवियर पहनने वालों को कोई तकलीफ भी नहीं देता। इसमें बैटरी और सेल का इस्तेमाल किया गया है ताकि चप्पल पहनकर चलने के दौरान बैटरी खुद चार्ज हो सके। इस स्मार्ट स्लीपर को बनाने में विजय लक्ष्मी की मदद की है उनकी साइंस टीचर और गाइड सुमैया खान ने। इस एंटी रेप स्मार्ट फुटवियर मॉडल को हाल ही में गोवा में हुए इंडिया इंटरनेशनल इन्वेंशन एंड इनोवेशन एक्सपो में जब दिखाया गया तो इसे सिल्वर मेडल हासिल हुआ। साथ ही इस लेडी सेफ्टी फुटवियर को 2023 में होने वाले इंटरनेशनल साइंस एक्सपो के लिए भी चुना गया है। लड़कियों के यौन उत्पीड़न और रेप की घटनाएं सुनकर परेशान हो जाने वाली विजय लक्ष्मी हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहती थी जो ऐसे लड़कों को सबक सिखा सके और महिलाओं की रक्षा भी कर सके। विजय लक्ष्मी और उनकी टीचर 2018 से ही इस डिवाइस पर काम कर रही थी और उनकी कोशिशों को जिस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है उससे ये दोनों काफी उत्साहित है। इनकी कोशिश है कि अब इस स्मार्ट फुटवियर को मार्केट में उतारा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने इस एंटी रेप फुटवियर नाम की ये जो स्मार्ट डिवाइस है इसको इंटरनेशनल साइंस एक्सपो 2023 के लिए भी चुना गया था। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और अच्छी खबरें हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हम जानते हैं कि बदलते दौर में कृषि भूमि की कमी होती जा रही है और इसी को देखते हुए जो आधुनिक किसान हैं, नए युवा हैं या फिर जो किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करने में रुचि रखते हैं वो अब हाइड्रोपोनिक तकनीक को अपनाते जा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक यानी कि बिना मिट्टी के खेती की उपज करना, और इस तकनीक को अपनाकर लोग ज़्यादा आय भी कमा रहे हैं। आपको हरियाणा से एक खबर दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके डॉक्टर SP गुप्ता गायों के संरक्षण के लिए काम करते हैं और गायों के लिए वो जो चारा तैयार करते हैं वो हाइड्रोपोनिक तकनीक से करते हैं। देखते हैं हरियाणा से ये खास रिपोर्ट। देश ही नहीं दुनिया के हर कोने में शुद्ध और पौष्टिक भोजन की मांग पिछले कुछ दिनों में बेहद ज्यादा बढ़ी है। इसी बढ़ती हुई मांग का एक कारण कोरोना जैसी महामारी भी है। इस महामारी के बाद दुनिया भर में पौष्टिक भोजन को लेकर जिस तरह से जागरूकता बढ़ी है वो अकल्पनीय है।
शुद्ध और पौष्टिक आहार में दूध की भूमिका अहम है, इसलिए ये जरूरी है कि इसकी भी शुद्धता और पौष्टिकता के बारे में भी एक सार्थक पहल की जाए। इसी सोच के साथ प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर एस पी गुप्ता ने एक अनोखी पहल की है। इन्होंने गाय के लिए एक ऐसा पौष्टिक आहार यानी हरी घास की खेती के नए तरीके को ईजाद किया है, जिससे न सिर्फ दूध में बढ़ोतरी होती है बल्कि गायों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद पिछले 9 साल से डॉक्टर एस पी गुप्ता लगातार कामधेनु संस्थान के माध्यम से गायों के संरक्षण और उनके पौष्टिक भोजन पर काम कर रहे हैं। बिना खेत के गायों के आहार की खेती करना ये खासियत है डॉक्टर एस पी गुप्ता की। हाइड्रोपोनिक विधि से ये करीब 500 किलो चारा हर रोज गायों के लिए उगाते हैं और इसी चारे को खाकर इनकी गायें उच्च गुणवत्ता का दूध देती हैं। डॉक्टर एस पी गुप्ता ने हरियाणा के नुह में बिस्सर गांव में करीब 2 एकड़ में गौशाला बनाई है, जिसमें करीब 200 से ज्यादा देशी गाय हैं और इसी गौशाला में नई तकनीक हाइड्रोपोनिक के जरिए वेट ग्रास के तर्ज पर घास को उगाया जाता है। इतना ही नहीं, ज्वार, मक्का और जौ की भी घास उगाई जाती है, जिसका इस्तेमाल गायों के चारों में किया जाता है। 48 आवर्स इसको भिगोते हैं पहले, जैसे मक्का लगाया हमने, ये जौ है जो आप देख रहे हैं, 72 घंटे हम फिर इसको भिगो के रखते हैं बोरी के अंदर। फिर इसको जब ये अंकुरित हो जाता है थोड़ा, फिर इन ट्रेज में रखते हैं, फिर ड्रॉप के द्वारा पानी पड़ता है ये, और 1 फुट तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, वो ज़्यादा ही बढ़ा सकते हैं। और फिर हर रोज़ हमारी ये प्रयास, अभी 5 क्विंटल पर डे हम जो है ये दें। प्रोटीन्स है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो बहुत सी इसमें समस्या भी दूर होगी और जो हम इतना खर्च करते हैं दूसरे अनाज पर उस पर, उसमें भी कमी आएगी। कामधेनु संस्थान में इस नए हाइड्रोपोनिक फूडर हाउस का उद्घाटन किया। इस मौके पर अहिंसा विश्व भारती के जैन आचार्य लोकेश मुनि, इस नई पहल से न सिर्फ गायों के दूध देने की क्षमता में इजाफा हो रहा है बल्कि गायों में प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ रही है। राकेश आर्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे संस्कृति की, विरासत की, और इस विरासत को सहेज कर रखने वाले कुछ लोगों की। जी हाँ, हम बात करेंगे साड़ियों की। साड़ी एक ऐसा परिधान है जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। साड़ी एक ऐसा परिधान भी है जो आधुनिक हो या पारंपरिक, हर फैशन में फिट बैठता है। जब हम बात साड़ियों की करते हैं तो फिर बनारसी साड़ियों की बात याद आ जाती है। बनारसी साड़ियों ने पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन गुजरात के पाटन की पटोला साड़ियों की बात ही कुछ अलग है। इसका एक लंबा इतिहास है और इस लंबे इतिहास को सहेज कर संजो कर रखने का काम कर रहा है गुजरात का सालवे परिवार, जो बरसों से पटोला साड़ियों को एक नया रूप देने का काम कर रहे हैं और अपनी विरासत को और संस्कृति को और खूबसूरत बना रहे हैं। आपको दिखाते हैं गुजरात से ये खास रिपोर्ट। पटोला हाउस, गुजरात के पाटन में सदियों पुरानी पटोला साड़ियों की बुनाई का मुख्य केंद्र। यहाँ सालवे परिवार पटोला साड़ियों की 900 साल पुरानी विरासत को जिंदा रखे हैं। ऐसा कहा जाता है कि पटोला साड़ियों की बुनाई सबसे पहले 11वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। सोलंकी वंश के राजा कुमार पाल ने महाराष्ट्र के जलना से पटोला बुनने वाले 700 परिवारों को पाटन में बसने के लिए बुलाया था और सालवे उनमें से एक हैं। इस तरह पाटन पटोला की परंपरा की शुरुआत हुई। पटोला साड़ी हाथ से बनाई जाती है, ये पूरी तरह से प्रिंटेड होती है। इसमें धागे को इतनी बारीकी से बांधा और रंगा जाता है जिससे एक डिजाइन बन जाता है। पूरी साड़ी के ताना और बाना दोनों को इतनी गिनती से अलग अलग कलर से डाई करते हैं, क्यों जब बुनाई करते हैं तो दोनों का क्रॉस मैच होकर डिजाइन तैयार होती है। इतना गिनती से कलर किया है। दूसरे कपड़े में क्या होता है, कपड़ा बुनाई करने के बाद छपाई काम होता है। यहाँ पहले धागे डाई करते हैं, बाद में बुनाई करते हैं, तो ये पूरा रिवर्स प्रोसेस है। पटोला साड़ी में पारंपरिक प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। साड़ी पर औसतन 4-5 रंगों का उपयोग किया जाता है। एक साड़ी को तैयार करने में 4-5 श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें 18-19 प्रक्रियाओं के साथ करीब 4 से 6 महीने लगते हैं।
पटोला साड़ी की खासियत इस बात से मान सकते हैं कि असली पटोला साड़ी की कीमत 1.5 लाख रुपए से शुरू होती है और इसकी कीमत 6 लाख रुपए तक जाती है और ये बुनकरों की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। एक साड़ी बनाने में मिनिमम 4 से 6 महीने लगते हैं और ये जो टाइम है वो इस पर डिपेंड करता है कि जितने साड़ी में कलर ज्यादा है उतना टाइम ज्यादा लगेगा। पहले पटोला साड़ियों को खास राजा और उनकी महारानियों के लिए बनाया जाता था। पाटन में पटोला करघा 11वीं सदी में आया था, जब राजा हर दिन अपनी पूजा के लिए पटोला का इस्तेमाल करना चाहते थे और तभी से सालवे परिवार भी अपनी इस परंपरा को निभाता आ रहा है। इस वक्त सालवे परिवार की 28वीं पीढ़ी पटोला साड़ी की बुनाई में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, प्रतिभा अपार है, बस जरूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ अच्छा और ख़ास करके दिखाते हैं। आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। We'll be right back.